गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने मॉर्निंग वॉक नहीं करी, तो सोचा आज व्लॉग की स्टार्ट ही मॉर्निंग वॉक से करते हैं। चलो करते हैं मॉर्निंग वॉक और मिलते हैं आपसे। आजकल फॉग भी कम है और डेली धूप भी निकल रही है। मौसम अच्छा होता तो वॉक करने में बहुत मज़ा आता है। मॉर्निंग वॉक तो मेरी हो चुकी है कंप्लीट। अब चलते हैं सीधा घर और अपने सैलून वाले को करते हैं फ़ोन, क्योंकि हेयर स्टाइल और बियर्ड मेरी बहुत अनटाइडी हो रही है, इसकी थोड़ी सेटिंग करवाते हैं। पहले करता हूँ उसको फ़ोन, अगर वो फ्री है तो चलते हैं। जैसे ही मैं मॉर्निंग वॉक करके घर आया था, मैंने क्या देखा, मेरे फादर ने मुझे आईफोन 13 प्रो गिफ्ट करा। वैसे मैं उनसे 2 दिन पहले ही बात कर रहा था कि जो मेरा आईफोन 12 है वो भर चुका है, तो मुझे नया फ़ोन चाहिए होगा, क्योंकि उसमें स्टोरेज कम थी, 64 GB था। तो मेरे फादर ने मुझे ला के दिया। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए इतना करते हैं, हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े होते हैं। इसी सपोर्ट के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा और आपका नाम रोशन एक दिन करके दिखाऊँगा। तो गाइज़, आप भी ऐसे अपने पेरेंट्स को प्यार करें, वो आपको अनकंडीशनली बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देख के, इसलिए मेरे से अब तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा। चलो करते हैं पहले फ़ोन को सेटअप, फिर अब फिर करते हैं सलून वाले को फ़ोन और चलते हैं अपनी ग्रूमिंग कराने के लिए। हेलो भाई, यश बोल रहा हूँ। हाँ यश भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, आ जाऊँ? आ जा। आ रहा हूँ। सो गाइस, एक रिलैक्सिंग हेड मसाज के बाद सोने का तो बहुत मन कर रहा था, पर मैं नहा चुका हूँ क्योंकि जाना है थोड़ा काम। और वैसे अब मैं जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ मैंने 2-3 दिन के बाद जाना था, पर मैं आज जा रहा हूँ। चलो दिखाता हूँ कौन सी जगह पे जा रहा हूँ और मैं आज ही क्यों जा रहा हूँ। जैकेट बदलते हैं और चलते हैं। तो गाइस, मैं आया हूँ रोज गार्डन में। तो गाइस, रोज गार्डन फैला हुआ है मोर देन 40.25 एकड़ में, और यहाँ पर 825 टाइप के रोजेज लगे हुए हैं, और यहाँ पर टोटल फ्लावर्स 32,500 हैं। वैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ की ब्यूटी इंजॉय करनी चाहिए। और एक बात और, अगर यहाँ पर कोई भी फ्लावर आप प्लक करते हैं तो उसका 500 फाइन है। तो फाइन तो छोड़ो, वैसे भी आपको ब्यूटी इंजॉय करनी चाहिए या ना कि ख़राब करनी चाहिए। सो गाइस, रोज़ गार्डन डेडिकेटेड करा गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को, जो हमारे इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट थे, तब से इसका नाम पड़ा जाकिर रोज़ गार्डन। वैसे ये एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन है, आप आएंगे आपको खुद ही फील हो जाएगा कितना बड़ा रोज़ गार्डन है और कितने वैरायटी के रोजेज हैं यहाँ। तो एक तो होता है बोलना, एक होता है आपको घूम के ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर इतने वैरायटी ऑफ रोजेज हैं कि आपने देखे भी नहीं होंगे, और नाम भी बहुत अजीब अजीब से हैं। गाइस, ये बात मैं इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पर मैं थोड़े दिन पहले जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे पे मेरा यहाँ क्या काम, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। हो रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। फाउंटेन भी बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है और अच्छे चल रहे हैं। चलो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग लड़कियों का हाथ पकड़ के बैठे हैं और मैं कैमरा पकड़ के बैठा हूँ। चलो, मेरा तो साथ ही कैमरा ही है। यहाँ बाहर काफ़ी कुछ खाने को मिलता है, और वहाँ पोर्ट्रेट बनाने वाले भी बैठे होते हैं, जैसे सुखना लेक पे बैठते हैं। वैसे मैंने बाहर एक शक्करकंदी वाले अंकल को देखा था, चलो उनसे थोड़ी शक्करकंदी खाते हैं। कितने की भैया एक प्लेट? फुल कर दो। वैसे शक्करकंदी तो खाली, वैसे दिया कि एक बात अच्छी थी कि भैया ग्लव्स डाल के बना रहे थे। वैसे अच्छा लगता है कि जो कोई ग्लव्स डाल के बनाए तो, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से, और
और अब चलते हैं घर की तरफ, अगर कहीं रुका तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो गाइस सुबह से मैं फ़ोन को विदाउट टेम्पर्ड और विदाउट कवर चला रहा था, तो पास में सेक्टर 22 इलेक्ट्रॉनिक मार्केट थी, तो सोचा यहाँ पर पहले टेम्पर्ड भी डलवा लूँ और कवर भी ले लूँ। चलो लेते हैं। टेम्पर भी डलवा लिया और कवर भी ले लिया। अब बहुत देर से मोमोज खाने का मन था, इतने दिन से मैंने कंट्रोल करा और आज मोमोज तो मैंने खा लिया। वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे तो मैं शूट नहीं कर पाया। अब चलते हैं सीधा घर, घर पे जाके आपसे कुछ इंटरेस्टिंग मैंने पूछना है। और वैसे यहाँ पर मैंने लिया है ब्लू कलर का कवर, तो मैं डाल चुका हूँ। वैसे इस फ़ोन का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये वीडियो उसी फ़ोन पर शूट हो रही है, क्वालिटी में भी फ़र्क है और वैसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और हैंडी है। iPhone 13 Pro, ऐसा कुछ वेट नहीं है इसका ज़्यादा, पर फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। चलते हैं सीधा घर। तो गाइस घर तो मैं पहुंच चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने आपसे कुछ पूछना है, तो गाइस मैंने आपसे पूछना था कि मैं एक चैलेंज करता हूँ जिसमें ट्राइंग कोरियन फूड फॉर वन डे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चैलेंज करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में येस लिखना, तो मैं कुछ दिन में ये चैलेंज करूँगा। इसी के साथ ही गाइस वीडियो को हम करते हैं एंड, क्योंकि अब बज रहे हैं 6:30, रात को 8 बजे इस वीडियो को एडिट करके डालना भी है। मिलते हैं आपको जल्दी अगले ब्लॉग में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर दो। अपने फ्रेंड से भी कराओ, अपने फैमिली से भी कराओ। बाय बाय, लव यू।